या भारतातील सगळ्यात उंच आणि दुर्गम डोंगररांगा आहेत. हिवाळ्यात इथं उणे 20 डिग्री तापमान असतं. लेह शहरापासून 4 तास डोंगराळ रस्त्यानं प्रवास केल्यावर हे निदर गाव येतं. हिमालयाच्या उंच डोंगरातून या गावातल्या घरात पाणी कसं पोहोचवलं जातंय हे आपण पाहणार आहोत. गावात लगबग सुरू आहे, कारण पाण्याचा टँकर आलाय. घरात पाणी येत नसल्यानं एकदाच 3 दिवसांचं पाणी भरून ठेवावं लागतं. यहाँ कोई नल नहीं है क्या? पाणी के लिए कोई नल नहीं है यहाँ पे? तो पानी पानी तो ये ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हो बाल्टी में से? अच्छा, पीने वाला पानी? ये पीने वाला? हाँ, ये तो ये क्या बोले, बर्तन धोने के लिए? बर्तन धोने के लिए वो टैंकर है ना, टैंकर तो बहुत आसान हो गया. तो टैंकर कब से आ रहा है? टैंकर आ रहा था, टैंकर आ के 4 महीने हो गया. 4 महीने से आ रहा है टैंकर? हाँ. तो टैंकर आने से आसान हो गया, थोड़ा आसान हो गया. नहीं तो फिर वही नाला तक जाना पड़ता है. टँकरचं पाणी कमी पडलं तर इथल्या लोकांना हिमनगातून वितळलेलं पाणी आणावं लागतं. सध्या इथं केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत इथल्या गावात नळाचं पाणी आणलं जात आहे. बाहर पाणी रखेगा ना 5 मिनट में जम जाता है. पाणी जम जाएगा बाहर रखेंगे तो? इतना ठंडा होता है? तो आप जो पाणी भर के लाते हैं उसको कहाँ रखते हैं फिर? वहाँ में इतना लाता है जितना चाहिए. और अच्छा, 20 लीटर खर्चा होगा ना पानी का, तो 20 लीटर लेके जाता हूँ. आप पानी बहुत सारा भर के नहीं रख सकते? नहीं रखते है. अभी जैसे सेंटेक्स हो गया, सेंटेक्स के पीछे कंबल डाल दिया, जैसे थर्मोकोल डाल दिया, फिर रस्सी से बांध के, फिर जुगर करना पड़ेगा ना मैडम जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. उससे फिर नहीं, उससे नहीं, उससे जमता है, थोड़ा सा हल्का जमता है. फिर हम सुबह एक साफ सा लकड़ी लेके उसको तोड़ता है. 8 महिन्यांपूर्वी यांच्या घरात पाण्याचा नळ लागलाय. पाण्याचा बर्फ होऊ नये म्हणून थर्मल कोटिंग केलं जात आहे. नळाला अजून पाणी आलेलं नाहीये, पण संपूर्ण लेह जिल्ह्यात पाण्याच्या नळाचं जाळं निर्माण केलं जात आहे. ट्रेडिशनली हिमालय से पिघल के आने वाला ये पानी इस इलाके की पीने की पानी की सारी जरूरतों को पूरा करता था. लेकिन पिछले दशकों में जैसे जैसे बर्फ कम हुई है, वैसे वैसे ऐसे चश्मे भी कम होते जा रहे हैं, और इस इलाके को अब अपने पीने के पानी के लिए चश्मों की जगह, सरफेस वॉटर की जगह, अंडरग्राउंड वॉटर पर रिलाय करना पड़ रहा है. मैदानी प्रदेशापेक्षा इथल्या जमिनीत दुप्पट खोल चारी करावी लागते. हिवाळ्यात पाणी गोठू नये यासाठी केवळ पाईपच नाही तर पाण्याची टाकी सुद्धा जमिनी खाली बांधण्यात आली आहे. ओव्हरहेड टँक्स होते हैं. हाँ. गांव के बीच में एक टैंक बना दिया तो सारे घरों को डिस्ट्रीब्यूट. यहाँ पे टैंक को अंडरग्राउंड लिया है फ्रीजिंग से बचाने के लिए, पानी फ्रीज ना करे इसके लिए, विंटर्स के लिए. निदर गावात वर्षभर काम केल्यानंतर आता इथं पाणी पुरवठ्यासाठी टेस्ट केली जाते. इधर भी अभी नहीं आया? नहीं आया. नहीं आया? नहीं आया. आप यहाँ पे ये जल जीवन मिशन का काम देख रहे हैं और अभी जो टेस्टिंग हुई, एक दो घर में तो पानी आया. हाँ जी, हाँ. पर फिर क्या हुआ? फिर हमने नीचे कहीं जगह पे चेक कर रहा था दूसरे डायरेक्शन में, और तब उस वक्त प्रेशर की वजह से वो लीक हो गया था चैम्बर के अंदर. ये नॉर्मल है ऐसा लीक होना? कभी कभी वो टेस्ट करने से ना लीक हो जाते. तो कितना टाइम लगेगा इसको ठीक करने? 2 दिन में. लेह जिल्हा समुद्र सपाटीपासून खूप उंच असल्यामुळं या ठिकाणी पाण्याचा पाईप तडकण्याची भीती व्यक्त केली जाते. पहिले पहिले हम लोग भी सोचे की ये आएगा की नाही. तो अभी तो इसमें पानी आ रहा है? हाँ, अभी तो आ रहा है. तो जब सर्दी आएगी तब फ्रीजिंग नहीं होने के लिए वो वहाँ पर टंकी है ना मैम जी, उसमें जाएगा बोलता है. फिर पाइप में पानी नहीं रहेगा ना मैम जी, फिर फ्रीजिंग नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं. आखिर में जहाँ पे पानी खत्म होता है वहाँ पे एक पॉइंट बनाया है जहाँ उसको खोल देंगे ताकि पानी पाइप में नहीं रहे और जमे नहीं, सारा सेप्टिक टैंक में चला जाए. सरकारने जलजीवन मिशन द्वारे जे कामकाज केलंय त्याचा 5% खर्च गावकऱ्यांना करावा लागणार आहे. जेव्हा हा पुरवठा सुरू होईल तेव्हा त्याच्या देखभालीचा खर्चही गावकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. पण इथल्या गावकऱ्यांना याची कल्पना नाहीये. जलजीवन मिशनच्या खर्चात भागीदारी घेण्यासाठी गावकऱ्यांना राजी करणं एवढं सोपं नाहीये. देवलीन रॉय यांच्यासोबत दिव्या आर्य, BBC लेह.